हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी F41 फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में। दोस्तों इसको मैंने परचेस किया हूँ। इसका जो प्राइस है 17,000 रुपीज है, लेकिन दोस्तों इसको मैंने परचेस किया हूँ 9,800 रुपीज में। कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो 6GB 64GB वेरियंट 17,000 रुपीज इसका प्राइस है, लेकिन अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में दोस्तों डिस्काउंट मिला 15,500 रुपीज में दोस्तों मिल रहा है। अभी जितने दिन तक बिग बिलियन डे सेल चलेगा उतने ही दिन तक दोस्तों ये ऑफर आपको मिलेगा। उसके ऊपर से दोस्तों मैंने लगाया हूं फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान, तो वो मिलाकर दोस्तों 4,500 रुपीज दोस्तों डिस्काउंट मिला है। उसके बाद दोस्तों SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होगा। मेरे पास SBI बैंक का डेबिट कार्ड है, इसीलिए दोस्तों मुझे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिला है। और सब कुछ मिलाकर दोस्तों 9,800 रुपीज मुझे पड़ा है सैमसंग गैलेक्सी F41। आज इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी F41 का बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ा बड़ा लिखा है F41 और यहाँ पे फ्रंट साइड का पिक्चर है। पीछे की तरफ देखोगे तो कुछ हाइलाइटेड फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फोन का नेम लिखा है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा, 6000 एमएच का बैटरी और 15 वाट का फास्ट चार्जर दिया है इनबॉक्स, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगर आप देखना पसंद करोगे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। अभी चलिए दोस्तों ये सील को ब्रेक करते हैं। और ये सील दोस्तों पहले से ब्रेक था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं सैमसंग हम लोगों को क्या क्या दिया है। और बॉक्स बहुत टाइट है दोस्तों, तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे और एक बॉक्स मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। सिम रिजेक्टर पिन देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसको ओपन करा जाए तो इसके अंदर दोस्तों कुछ यूज़र मैनुअल गाइड निकलेगा शायद। हाँ दोस्तों, कुछ यूज़र मैनुअल गाइड है जो कोई नहीं पढ़ता है। चलो इसको साइड में रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बैक केस नहीं दिया है। आप देखो बैक केस नहीं है क्या यार? इसका रेटिंग आप देख लीजिए दोस्तों, ऐसे भी ये 15 वाट का चार्जर है। और यहाँ पे दोस्तों टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों ये जो रैपर है ये मैं हटा देता हूँ और फोन को बाहर निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसको भी मैं हटा देता हूँ और देखिए दोस्तों इसका डिज़ाइन ठीक ठाक डिज़ाइन है। दोस्तों हमारे पास है ब्लू कलर का, तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट फिनिश दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसको मैं बूट करता हूँ और मिलते हैं फेस टू फेस सुमन टेक्नो के स्टाइल में। और यहाँ पे आ गया है सैमसंग गैलेक्सी F41। शुरू करते हैं डिज़ाइन से। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर दिया है, ऊपर की तरफ ब्लूइश कलर एंड नीचे की तरफ देखोगे तो ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया है। और इसका कैमरा का पोजिशन देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर का स्टाइल देखिए दोस्तों, सैमसंग के हर फोन में दोस्तों ये फिंगरप्रिंट का स्टाइल देखने को मिलता है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो पॉलीकार्बोनेट का है, ग्लास बैक नहीं दिया है। 17,000 में स्मार्टफोन लॉन्च किया है तो ग्लास बैक देना चाहिए था। खैर दोस्तों मैं कहूंगा बाजार में बहुत सारे बैक केस मिलता है, वो खरीदकर यहां पे लगा लेना, वरना दोस्तों पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी है, क्रैचेस भरपूर आएगा और न्यू फोन में क्रैचेस अच्छा नहीं लगता। दोस्तों इसका जो वेट है 192 ग्राम है। यहां पे 6000 एमएच का बैटरी है। इतना पावरफुल बैटरी होने के बाद भी दोस्तों इसका जो वेट है वो उतना हैवी वेट नहीं है। काफी अच्छी तरीके से दोस्तों इसका वेट मेंटेन किया है और ये मुझे बढ़िया लगा है। दोस्तों हैंड फील के पास देखोगे प्रीमियम जैसा फील नहीं देगा। हाँ कंफर्टेबल फोन है, एक हाथों में काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे, लेकिन दोस्तों प्रीमियम जैसा आपको फील नहीं मिलेगा। ग्लास बैक में दोस्तों प्रीमियम जैसा फील मिलता है, पॉलीकार्बोनेट में वो फील कहां। डिस्प्ले के पास देखोगे 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पे दिया है। ऑब्वियसली सैमसंग का डिस्प्ले काफी अच्छा है। नीचे जो चेन है, साइड में जो बेजल्स है वो थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है। और यहाँ पे दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। अभी दोस्तों ट्रेंड चल रहा है पंचोल सेल्फी कैमरा का, और उसी जगह में दोस्तों वाटर ड्रॉप नॉच लेकर आ गया है, तो यार ट्रेंड से थोड़ा पीछे रहता है और इसीलिए दोस्तों प्रीमियम जैसा लुक भी नहीं देता है डिस्प्ले में। लेकिन मैंने जैसे कि बोला यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया है, वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा रहेगा। डिस्प्ले का जो क्वालिटी
क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, तो वीडियो के मामले में दोस्तों शिकायत नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा मूवी वगैरह या वीडियो वगैरह देखते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है। ऑब्वियसली सैमसंग का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी अच्छा ही होता है प्राइस के हिसाब से। इसका जो डिस्प्ले का प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया है। 17,000 में आप एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ, यार ये हजम नहीं हुआ। कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रोसेसर के पास देखोगे एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर दिया है। हाँ ठीक ठाक प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों बहुत पुराना प्रोसेसर है और सैमसंग को यहाँ पे चेंज करना चाहिए। खैर दोस्तों जो ऐप ओपनिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, जल्दी जल्दी ऐप वगैरह ओपन हो जाता है, तो ऐप ओपनिंग के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F41। मैं बहुत सारे ऐप को ओपन कर चुका हूँ उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे आप गेमिंग भी अच्छा खासा खेल पाओगे, कोई भी लैग वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत जल्द दोस्तों गेमिंग टेस्ट आ रहा है, उसके लिए जरूर इंतजार करना। हमारे पास है 6GB 64GB वेरिएंट। इसका रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए मैंने बहुत सारे ऐप को एक साथ ओपन किया, उसके बाद दोस्तों रैम में जाकर एक बाई एक दोस्तों मैंने चेक किया। दोस्तों जिस जगह से मैंने ऐप को छोड़ा था उसी जगह से दोस्तों सारे ही ऐप रैम में था और काफी अच्छी तरीके से ओपन हो रहा था, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो बढ़िया है, रैम मैनेजमेंट को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके ओवरव्यू के पास देखोगे नीचे की तरफ दोस्तों 3.5 mm जैक, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, स्पीकर, राइट साइड की तरफ वॉल्यूम अप डाउन बटन और पावर बटन, ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन, लेफ्ट साइड की तरफ सिम ट्रे और यहां पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड आप एक साथ यूज कर पाओगे। यहां पे दोस्तों एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं दिया है, जब आप चार्ज में लगाओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसीलिए दोस्तों यहां पे डिस्प्ले में कितना चार्ज हो रहा है हमेशा आपको दिखाई देगा। यहां पे दोस्तों 6000 mAh का काफी पावरफुल बैटरी देखने को मिलता है। अगर आप इसको फुल चार्ज करोगे तो आपको 2 दिन से 2.5 दिन तक आराम से चल जाएगा। अगर आप डे टू लाइफ के लिए यूज करते हो, अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम 10 घंटे तक मिल जाएगा। बहुत जल्द टेस्ट आएगा हमारे चैनल में, उसके लिए जरूर इंतजार करना। 6000 mAh के बैटरी के साथ दोस्तों 15 वाट का चार्जर दिया है, तो बहुत कम चार्जर है दोस्तों, कम से कम 30 वाट का चार्जर तो देना चाहिए था। अगर इसको आप फुल चार्ज करने के लिए जाओगे तो 0% से 100% चार्ज होने में दोस्तों 3 घंटे से 3.5 घंटे तक लग जाएगा, तो टेस्ट आएगा उसके लिए जरूर इंतजार करना। ऐसा मुझे लगता है तो वहां पे टेस्ट में दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ मैं क्लियर करके आपके सामने रख दूंगा। बैक साइड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं। इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों वो काफी अच्छा है। दोस्तों मैं टैप कर रहा हूं ओपन हो रहा है, टैप कर रहा हूं ओपन हो रहा है, तो बहुत फास्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा साउंड क्वालिटी है। साउंड क्वालिटी बढ़िया है दोस्तों, साउंड क्वालिटी को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा साउंड है दोस्तों इसका। इस फोन में प्री इंस्टॉल बहुत सारे बेकार ऐप देखने को मिलता है, शेयर चैट, एमएस टकाटक, यहाँ पे मॉच और भी बहुत सारे बेकार ऐप है जिसको यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था सैमसंग को। खैर दोस्तों इसको आप अनइंस्टॉल भी कर पाओगे। अभी चलिए दोस्तों कैमरा के ओर। बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है 2.0 एपर्चर के साथ। चलिए दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये सारे कैमरा सैंपल आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, डिटेल में दोस्तों मैं जब रिव्यू लेकर आऊंगा तब दोस्तों क्लियरली मैं आपको बता दूंगा कि इस फोन का कैमरा क्वालिटी कैसा है, तो उसके लिए जरूर इंतजार करना। अभी तक फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे जबरदस्त लगा है, पिक्चर क्वालिटी को लेकर कोई भी शिकायत नहीं है, डिटेल रिव्यू के लिए जरूर इंतजार करना। ऐसे भी इस फोन के साथ बहुत सारे फोन का कैमरा कंपैरिजन भी आएगा, तो उसके लिए भी इंतजार जरूर करना। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। दोस्तों इस फोन का जो ओरिजिनल प्राइस है 17,000 रुपीज है, मुझे नहीं लगता 17,000 देकर आपको ये फोन खरीदना चाहिए। मार्केट में 17,000 में और भी बेटर फोन है, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में दोस्तों इस फोन को परचेस करते हो 14,400 रुपीस में,
तो बढ़िया फोन है दोस्तों, काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन है। अगर आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान को लगाते हो तो कतई जहर फोन रहने वाला है। खैर दोस्तों 14,000 रुपीज में अगर आप डिस्काउंट लगाओगे तो बेटर फोन है, लेकिन 17,000 रुपीज में दोस्तों मैं मना कर दूंगा। और ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी बजा देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।